सुन रहे हैं, मैंने स्पोर्ट्स के कपड़े पहने हुए और सुन रहे हैं उनकी आवाज़, चूंकि अभी तक वहाँ से नहीं माइक उन्होंने ऑन किया हुआ, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ सकती, लेकिन उनको सारा कुछ सुनाई दे रहा है। और अभी तक केस का बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी है कि कुछ मैं तबसरा कर सकूं केस के ऊपर। केस बहरहाल इस तरह चल रहा है कि मखदूम साहब ने बहस शुरू की है, वो पहले अभी ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं जो पुराने हैं, और जज साहिबान ये उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो पिटिशन फाइल की थी नैब की, केस की, नैब के कानून को चैलेंज करने के लिए, वो मेंटेनेबल है कि नहीं, उसके ऊपर बहस पहले होगी और फिर मेरिट्स पे आएगा। आपको पता ना केस जिस नौयत का है, केस इस तरह है कि इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था नैब का कानून, नैब के कानून में कुछ तरामीम आई थी और उन तरामीम को चैलेंज किया गया था, और निचली जो जब ये कुछ हाई कोर्ट्स में केसेस फाइल हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्टीमेट फैसला किया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तरामीम गलत हैं, उनको फेडरेशन ने, हुकूमत ने चैलेंज कर दिया था, और उसकी आज समाअत हो रही है और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मखदूम साहब, वो उनकी बहस होगी। बाकी जो जितने एडवोकेट जनरल्स हैं हर सूबे के, उनको भी नोटिसेस मिल गए हैं, वो भी आज पेश हुए हुए हैं, बहस उनकी सुनी जाएगी और फिर आखिर में इमरान खान साहब जो हैं उनकी भी बहस सुनी जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इस केस की कंप्लीट होगा, हो सकता है ये कल या अगले कुछ समातों में फैसला हो जाए, लेकिन आज का दिन तो फैसला नहीं नजर आता। यहाँ से केसेस को लाइव दिखाया जाता है, लेकिन आज का केसेस इंतहाई अहम था खान साहब का, पूरी कौम को इंतजार था कि लाइव देखें, लेकिन वो लाइव ट्रांसमिशन नहीं दिखाई जा रही, उसको रोक दिया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी नॉर्मली तो ये लाइव ही चल रहा था, लेकिन आज मुझे इत्तला मिली है कि लाइव नहीं दिखाया जा रहा। अब वो एक्चुअली जो ज्यूरिसडिक्शन है या फैसला है कि लाइव होनी चाहिए या नहीं, वो अदालत का ही है, तो मैं खाली अदालत ने, बेंच ने चूंकि फैसला किया है कि लाइव नहीं दिखाना, इसलिए लाइव ट्रांसमिशन नहीं हो रही, लेकिन वो अंदर वीडियो लिंक पे जरूर पेश हुए। थैंक यू, शुक्रिया सर।